जय हिंद साथियों, अंकित एजु पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, इसे मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ रामसर साइट आखिर होती क्या है, और भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, आदि विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने के पीछे का कारण यह है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है जिसका नाम रामसर है, वहाँ पर एक बैठक होती है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि विश्व भर की ऐसी आर्द्र भूमियों की को संरक्षित करना है जहाँ पर वर्ष भर जल का भराव रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और इसके साथ ही साथ वह स्थान जलीय पक्षियों के आवास एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त तो होता है। इसी को संरक्षण के लिए एक समझौता होता है जिसे हम लोग रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। 1975 में यह समझौता लागू होता है, और भारत की बात करें तो 1881 यानी कि 1981 को भारत की 2 आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में घोषित होती है। उसमें से एक होती है उड़ीसा की चिल्का झील और दूसरी राजस्थान की केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें से क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा उड़ीसा का चिल्का झील होती है। वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल 75 रामसर साइट है, जिसमें से तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक 14 रामसर साइट होती हैं। अगर भारत की सबसे बड़ी यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली रामसर साइट की बात करें तो वह पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का क्षेत्र जो है वह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, और वहीं अगर सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका झील है जो कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।